नाजरीन आदाब, आज एमके एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम इस्लाह हाई स्कूल शास्त्रीपुरम में मॉरल एजुकेशन अखलाकी तालीमात पर एक बेहतरीन जो है इंटरैक्टिव सेशन स्टूडेंट के साथ रखा गया। मैं मोहम्मद साजिद अली, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर और फाउंडर टैब फाउंडेशन। मेरे साथ हमारे बहुत ही हरदिल अज़ीज़ मस्तान साहब जो है ना द करस्पोंडेंट ऑफ सेंट सुलेमान हाई स्कूल, और मेरे हरदिल अज़ीज़ दोस्त मोही साहब जिन्होंने हमको आज यहाँ दावत दी है आकर मुखातिब करने की, बच्चों के साथ उनको बात करने की। मैं सबसे पहले उनको और उनके मैनेजमेंट को शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मॉरल एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को उस्ताद के पास, तो खैर वो स्कूल में जब आ जाते हैं तो सुबह 8:30-9 बजे से वो 3:30-4 बजे तक यहाँ रहते हैं, लेकिन वापस जाने के बाद जो ज़िम्मेदारी होती है, बहुत ही भारी ज़िम्मेदारी मैं कहता हूँ, क्योंकि जितना माँ बाप अपनी औलाद को समझ सकते हैं उतना उस्ताद भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपका खून है, आपने उनको पैदा किया, आपको पता है उसकी साइकोलॉजी, उसकी नफ्सियात, उसका उठना, उसका बैठना। तो ये जो तरबियत गाह है, जैसा कि कहा भी जाता है कि माँ के गोद से ही सबसे बड़ी तरबियत होती है, तो माँ बाप दोनों भी ज़िम्मेदार हैं, अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी तरबियत करें। तालीम तो बेशक मिल रही है और स्कूल पूरे जितने भी जहाँ भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सिर्फ इस्लाह स्कूल ही नहीं, तमाम इंस्टीट्यूशंस ये पूरी कोशिश करते हैं सुबह से शाम तक अपने बच्चों को सांचे में ढालने की। लेकिन अगर आप ये तकिया करते हैं या फिर आप ये समझते हैं कि मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई क्योंकि मैंने अपने बच्चे को या बच्ची को जो है इस्लाह हाई स्कूल में भेज दिया है, अब वो उनके हवाले है, उन्हें इंजीनियर बनाए, अच्छा कामयाब अखलाक बाकिरदार वाला बनाए, नहीं, इसमें आपका भी हिस्सा है। क्योंकि कल अगर ये बच्चा ये बच्ची कोई गलत हरकत कर देते हैं, अपना गलत बर्ताव पेश करते हैं, नमूना पेश करते हैं, तो सबसे पहले इसका क्रेडिट किसी स्कूल मैनेजमेंट या टीचर्स को नहीं, माँ बाप को ही जाता है कि इसकी बिगड़ी हुई औलाद है, ये कौन औलाद है जिसकी तरबियत नहीं की गई है। तो खुदारा मैं आपसे कहता हूँ, मेरी अदबन गुजारिश है, हम तरबियत के मामले में ही काम कर रहे हैं सारे हैदराबाद में। तो आज इस मौके से मेरे मीडिया भाइयों ने मुझसे पूछा कि भाई आप कुछ कहें, तो मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम उन वालदैन से, ये आपकी बहुत भारी ज़िम्मेदारी है, बेशक आपको बहुत ज़िम्मेदारी आपने भी घर के हैं, लेकिन अगर हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल अगर बर्बाद हो जाने वाली है या गलत राहों पे जाने वाली है, और हम बस अंधों की तरह या बेपरवाह लापरवाह अगर हम ऐसी ज़िंदगी गुजार देंगे उनकी, तो फिर कल को पछतावा होगा। और आज आप मीडिया में देख रहे हैं कि कई ऐसे बच्चे और बच्चियां ऐसे ऐसे हरकत करके आपके जो है इज्जत को, इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो सबसे पहले ज़िम्मेदारी आप बहसियत माँ बाप आपकी होती है, उसके बाद उस्तादों की भी होती है। ये दोनों की कोशिशों से, इनकी काविशों से ही एक इंसान अपने बेहतरीन अखलाक और किरदार के साथ मार्केट में जब जाता है तो क्रेडिट माँ बाप को भी जाता है और स्कूल को भी जाता है। आज हम भी अगर कहीं अच्छी बात करते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं आप कौन से स्कूल के हैं, तो ये भी पूछा जाता है आपके माँ बाप क्या करते हैं। तो बेशक हमारे बच्चों की नस्बत माँ बाप से होती है, तो मैं माँ बाप से ख़ास हूँ, पेरेंट्स और वालदैन से ये गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ मेहरबानी फरमाकर तमाम मसरूफियात 24 घंटे में कुछ वक्त अपने बच्चों को मोहब्बत से, शफक़त से, नरमी से, उनकी डांट डपट ना करें आप। आज बच्चे बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नफ्सियाती तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ, प्लीज़ उनसे मोहब्बत से, आपसे बेहतरीन दोस्त उनका कोई नहीं हो सकता। शुक्रिया।